क्लास 7th में आपने कंप्यूटर में आपको कल यहाँ तक पढ़ा दिया था, MU और मेमोरी यूनिट तक। आज पढ़ेंगे स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में। स्टोरेज डिवाइसेस आर यूज्ड टू स्टोर डाटा एंड इंफॉर्मेशन इन द कंप्यूटर। स्टोरेज डिवाइस को यूज़ किया जाता है टू स्टोर डाटा, डाटा को इकट्ठा करने के लिए और इंफॉर्मेशन सूचनाओं को इन द कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर। द स्टोरेज डिवाइस ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम इज नोन एज कंप्यूटर मेमोरी। स्टोरेज डिवाइस होता है उसको हम कंप्यूटर मेमोरी के नाम से भी कंप्यूटर सिस्टम में जानते हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। दो तरह की कंप्यूटर मेमोरी होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मतलब सबसे पहली और सेकेंडरी मतलब दूसरी अदर। कंप्यूटर मेमोरी देखो, प्राइमरी इसमें होते हैं रैम और रोम। सेकेंडरी मेमोरी होती है हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD, पेन ड्राइव, जो हम अलग से उसमें CPU में लगाते हैं और उसमें इकट्ठा करते हैं, वो सेकेंडरी मेमोरी है। जैसे पेन ड्राइव हुआ, हाँ, कॉम्पैक्ट डिस्क हुआ, CD, ये सारे हम उसको CPU में डाल के मेमोरी लेकर उसको बाहर निकाल सकते हैं। प्राइमरी मेमोरी, द प्राइमरी मेमोरी आल्सो नोन एज द मेन मेमोरी। प्राइमरी क्या मेमोरी क्या होती है, वो एक मेन मेमोरी होती है, मेमोरी के नाम से जानते हैं। स्टोर्स डाटा, जिसमें डाटा स्टोर होता है, एंड इंस्ट्रक्शंस, जो निर्देश होते हैं प्रोसेसिंग के लिए। द प्राइमरी मेमोरी कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को भी दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, रैम और रोम के नाम से। रैंडम एक्सेस मेमोरी, द रैम इज द मेमोरी व्हेन द कंप्यूटर टेम्पररीली स्टोर्स एप्लीकेशंस प्रोग्राम एंड द करेंट डाटा सो दैट द कंप्यूटर प्रोसेसर कैन एक्सेस दैम क्विकली व्हेन रिक्वायर्ड। द रैम इज़ द मेमोरी, रैम वो मेमोरी है वेयर द कंप्यूटर टेम्परेली स्टोर, जहाँ पे कंप्यूटर अपनी मेमोरी को टेम्परेली स्टोर करता है, एप्लीकेशंस को, प्रोग्राम्स को एंड द करेंट डाटा, जो भी हम डाटा को यूज़ कर रहे हैं। सो दैट द कंप्यूटर प्रोसेसर कैन एक्सेस, कंप्यूटर प्रोसेस करके उसको पहुँचाता है देम क्विकली, तेजी से, व्हेन रिक्वायर्ड, जहाँ उसकी आवश्यकता होती है। द रैम इज़ वॉलेटाइल इन नेचर। रैम की प्रकृति क्या है, वो उड़ने वाली होती है, ठीक है। एज द कंटेंट इन इट, और उसके सूचना है, आर लॉस्ट एज सून एज द कंप्यूटर इज स्विच ऑफ। द लॉस्ट एंड द कंटेंट इज एट, उसके कंटेंट लॉस्ट हो सकते हैं जैसे ही कंप्यूटर को स्विच कर ऑफ करते हैं, जैसे बंद करते हैं, या परमानेंटली बंद हो जाते हैं अपने आप ही, जैसे लाइट चली जाती है। रीड ओनली मेमोरी, रोम, द रोम इज द मेमोरी, रोम एक वो मेमोरी होती है हुज कंटेंट्स आर रिटन एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। जब कंप्यूटर बनता है तो उसके समय पर ये कंटेंट्स इसके तभी बनते हैं, यानी इसकी विषय सूची तभी बनते हैं जब उसके निर्माण होता है कंप्यूटर का। एंड कैन ओनली बी रीड, इसको हम रीड कर सकते हैं एंड यूज कर सकते हैं। दे कैन नॉट बी मॉडिफाइड, इसको हम मॉडिफाइड मतलब उसमें सुधार नहीं कर सकते बाय द यूजर, यूजर के द्वारा इसमें सुधार नहीं किया जा सकता। द कंटेंट्स ऑफ द रोम आर नॉट लॉस्ट, इसकी जो विषय सूची है ना तो वो लॉस होती है, इवन इन केस ऑफ ए सडन पावर फेलियर, यहाँ तक कि अचानक लाइट भी चली जाती है तो उसकी मेमोरी नहीं जाती। दस मेकिंग इट नोन वॉलेटाइल इन नेचर, इस तरह से दस इस प्रकार मेकिंग जो बना होता है नॉन वॉलेटाइल इन नेचर, इसकी प्रकृति किस तरह बनी होती है, उड़ने वाली या लॉस होने वाली मेमोरी इसमें नहीं होती है प्राकृतिक रूप से। देखो रोम इस तरीके से होता है, आपके कंप्यूटर में मिल जाता है। और रैम, रैम ये रैम का फोटो है, ये लंबी जो है इसको हम रैम बोलते हैं, इसको निकाल सकते हैं कंप्यूटर से, वापस लगा सकते हैं। अब देखिए सेकेंडरी मेमोरी,
द सेकेंडरी मेमोरी आल्सो नोन एज द ऑक्सिलरी मेमोरी, जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो मतलब मेमोरी उसमें इकट्ठा करने के सहायक होती है दूसरी। इट यूज फॉर स्टोरिंग इंस्ट्रक्शंस, ये यूज़ किया जाता है सूचनाओं को स्टोर करने में, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स को एंड डाटा को। सिंस तब से द मेन मेमोरी इज़ टेम्परेरी एंड लिमिटेड इन साइज, मेन मेमोरी क्या होती है, टेम्परेरी होती है एंड लिमिटेड इन साइज, और साइज इसकी लिमिट होती है, इसकी क्षमता लिमिटेड होती है। इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा स्टोर्ड ऑन सच स्टोरेज, जो सूचनाएं और डाटा होती हैं वो स्टोर हो सकती हैं सच स्टोरेज डिवाइस, आर परमानेंट इन नेचर। कुछ स्टोरेज डिवाइस क्या होती हैं प्राकृतिक, उनकी कैसे होती है परमानेंट ही उसमें स्टोर हुई रहती है। द वेरियस टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, विभिन्न प्रकार की जो दूसरी मेमोरी होती है सेकेंडरी मेमोरी होती है, और फ्लॉपी डिस्क, जैसे फ्लॉपी डिस्क है, इसको हम फ्लॉपी डिस्क कहते हैं। देखो ये रही फ्लॉपी डिस्क, पहले चला करती थी ये चौकोर, अब तो ज़्यादातर कंप्यूटर बंद कर दिए क्योंकि इसमें स्पेस कम रहता है। हार्ड डिस्क ये है जो कंप्यूटर के अंदर ही होती है, अलग से भी इसको लेके इसमें भी मेमोरी हम इकट्ठा कर सकते हैं। कॉम्पैक्ट डिस्क ये है। ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक टाइप, जिप डिस्क एंड पेन ड्राइव आपने देखा ही होगा इस तरीके से होता है। ये क्या है, ये सेकेंडरी मेमोरी है, इन सबको सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। एक्सेसिंग कंप्यूटर मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी कैन बी डायरेक्टली एक्सेसिड बाय द सीपीयू, प्राइमरी मेमोरी होती है कैन बी डायरेक्टली एक्सेसिड बाय द सीपीयू के द्वारा डायरेक्टली उसको एक्सेस किया जा सकता है। सेकेंडरी मेमोरी कैन नॉट बी एक्सेसिड डायरेक्टली, सेकेंडरी मेमोरी में डायरेक्ट मतलब उसकी मेमोरी कैन नॉट बी एक्सेसिड डायरेक्टली, उसमें डायरेक्ट नहीं आ सकती है। डाटा फ्रॉम द सेकेंडरी मेमोरी इज फर्स्ट ट्रांसफर टू द प्राइमरी मेमोरी, सबसे पहले डाटा हमें प्राइमरी मेमोरी में ट्रांसफर करना पड़ेगा एंड देन टू द सीपीयू, और फिर उसके सीपीयू के द्वारा हम उसको सेकेंडरी मेमोरी में ले सकते हैं इसको। जैसे ये फ्लॉपी है, ये कॉम्पैक्ट डिस्क है, इसमें क्या करते हैं पहले हम इसको डाटा को प्राइमरी मेमोरी में डालते हैं, प्राइमरी मेमोरी में डालने के बाद फिर हम इसको सेकेंडरी मेमोरी जो ये होती हैं उनमें हम ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज का लेसन इतना ही है, आप इसकी रीडिंग करें और इसको समझने का प्रयास करें। कल हम पढ़ाएंगे सॉफ्टवेयर।